क्या चल रहा है मम्मा? इस कपड़े पैक कर रहे हैं तुम लोग अपने कमर के कपड़े से। कल का दिन तो बहुत ज्यादा बिजी था वैसे। रोज ही बिजी होता है लेकिन कल का कुछ ज्यादा ही बिजी था। बहुत ही ज्यादा तो हम व्लॉग भी नहीं बना पाए हम लोग। कोई बात नहीं, यहाँ से छुट्टी तो बनती है ना। बनती है जरूर। आ रही हूँ। अनायक पेन हो रहा है हेड से। अनायक ठीक हो तुम? क्यों अभी भी तबीयत खराब है? तुम जरा वॉक करने जाओ, तुम बाहर घूमने जाओ, तुम बचाती ही नहीं हो। जाओगी पक्का? आ जाओगी अहमद के साथ? चलो सही है। और जैद यहाँ पे मछलियाँ निकाल रहे हैं, पॉन्ड पूरा साफ होगा, मछलियाँ इधर रखी हुई सारी साफ पानी में, और ये मछलियाँ निकाल रहे हैं अभी भी। जैद काफ़ी हद तक तो निकाली है, अभी घूम रही है। ये रहने तो डाल निकाल लो आराम से, करना भी बड़ा मुश्किल है इनको। एक आगे, हाँ आगे अंदर। उस वक्त देख सकते हैं कि हफ्स हुआ है काफ़ी, बादल आए हैं लेकिन गर्मी भी साथ चल रही है। आप अगर देखें ना सर वेदर को, तो इस वक्त बज रहे हैं 2:40 में ऐसा हुआ है वेदर। और ये मम्मा ने बनाया है मैंगो शेक, और गर्मी है ज़ाहिर है तो मैंगो शेक तो बनता है। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी रोटी, साथ में मटर चावल और साथ में तुरई। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि एक तो अनाय की तबीयत सही नहीं थी, दूसरा ये कि कुछ गेस्ट भी थे, तो बस कभी कभी छुट्टी कर भी लेनी चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करती यूट्यूब से। लेकिन ये कि समटाइम्स आप कुछ काम कर रहे होते हैं और आपका वो माइंडसेट नहीं होता और आप जो है इतना फ्री नहीं होते, और समटाइम्स कुछ दिन भी ऐसे होते हैं ना कि आप एक के बाद एक चीज़ शुरू हो जाती है। तो आज सुबह से भी अनाय की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी एज़ यूजुअल, जो उसको चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से मसला। और क्योंकि वो ज़रा सी ठीक होती तो वो मेडिसिन छोड़ देती है, और मेडिसिन छोड़ देती है तो फिर उसको दोबारा से पेन शुरू हो जाता है। और अनाया जो है बिल्कुल वॉक नहीं करती, अब नीचे भी नहीं जाती वो खेलने के लिए, जिसकी वजह से जो है ना उसकी बिल्कुल वो हिलजुल नहीं रही है ज़्यादा। तो बच्चे की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसका वॉक करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको स्पेशली ले कर जाऊँ। तो ये है कि एटलीस्ट उसको 20 मिनट्स तो वॉक करनी चाहिए। और प्लस मैं आपको बता रही थी कि पिछले दिनों से मैं कुछ बिज़ी थी घर के कामों के अंदर और कुछ अदरवाइज़ भी काम थे, तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट आ रही है जो आती है क्वांटिटी के अंदर, बल्क क्वांटिटी के अंदर, और वो प्रोडक्ट जो है फिर वो आगे मैं मार्केट के अंदर दे रही हूँ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप लोगों में से भी अगर किसी को जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए हो तो उसके अंदर पूरा एक ऑल टुगेदर एक आपको पैकेज मिल जाता है जिसमें मल्टी ब्रांड्स के सूट्स होते हैं, स्पेशली जो लेडीज़ अपने घर से काम करना चाहती हैं और अपने घर से जो है वो ब्रांड के सूट्स के अंदर डील करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पैकेज है ताकि वो एक अच्छा अमाउंट रन कर सकें। जो लोग भी ऑनलाइन भी डील करते हैं, बहुत सारे लोग फैब्रिक के अंदर, आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दोनों सूरतों में आप ये प्रोडक्ट जो है मुझसे ले सकते हैं। इसमें आपको 100 पीसेज मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, और जो मार्केट से आप समझ लें कि हाफ़ प्राइस के ऊपर आपको मिलते हैं, और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। स्पेशली इंटरनेशनली भी लोग इसको लेते हैं, परचेज करते हैं आगे सेल करने के, या आपने अपनी कोई शॉप ओपन करनी हो तो आप शॉप भी ओपन कर सकते हैं, उसके लिए भी स्टॉक मुझसे ले सकते हैं। लेकिन स्टॉक सारा कैश पे है और कोई भी स्टॉक जो है क्रेडिट पे नहीं है, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें शो भी करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की प्रोडक्ट है। जैसे ये आप देखेंगी है जे डॉट ब्रेड है, और ये 3 पीस लॉन का सूट है, और ये भी आपके सेम जो लॉट्स होती हैं, ये पूरी पूरी लॉट्स होती हैं। इसमें खादी है, खादी का भी 3 पीस है इसके अंदर, ये भी खादी है, इसका भी आपके 2 पीस है,
और इसके अलावा ये है एथनिक, एथनिक का भी 3 पीस है इसके अंदर। एंड इसके अलावा ये है सफ़ायर, सफ़ायर का भी 3 पीस है यहाँ पर। और ये है आपके बिन सईद, और ये है आपके रंगजा, एंड ये भी बिन सईद है, एंड ये भी खाली है। तो इस तरह की आपको प्रोडक्ट मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं मेरे पास कितना कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये अभी आधे से ज़्यादा चीज़ें चली गई हैं और आधे से ज़्यादा चीज़ें इसमें से जानी हैं। तो आप लोग भी अगर प्रोडक्ट बाय करना चाहें, इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं, उसके अलावा आपको अगर स्टॉक परचेज़ करना हो, पूरा 100 पीसेस का स्टॉक लेना हो पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं इसके ऊपर वीडियो के साथ ही मेंशन कर दूंगी, और उसके ऊपर मैं आपको डायरेक्टली पिक्चर्स भी भेज दूंगी। और ये देखेंगे भी खाड़ी के हैं। उसके अलावा मुझे ये भी आई थिंक खाड़ी है, और ये सारे ब्रांड्स जितने भी रखे हुए सारे ब्रांडेड सूट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। इनकी पिक्चर्स भी जो है मैं साथ थंबनेल पे लगा दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो जिसको भी जो है इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आपने शॉप खोलनी है, आपने घर से बिजनेसेस करने हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको क्वान्टिटी में जो ब्रांड्स के सूट होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, क्वान्टिटी उसकी ना। मम्मी ने ना यहाँ उफ मचाई हुई है, और दूसरा मेरा फ्रिज गया था बनने के लिए, और बनने के लिए जब गया था तब तो उन्होंने मुझे जो खर्चा बताया था उस वक्त वो तकरीबन मेरे ख्याल में 15,000 समथिंग का बनाया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी इसका डीप फ्रीज़र भी लीक है, तो इसके अंदर ये भी मसला है, तो वो मसला है, तो उन्होंने 25-26-27,000 का बिल बना के रख दिया है मेरे सामने ना। तो खैर अब हम किचन में आ गए हैं, और मैंने उससे कहा है कि अब करना तो है ना, तो काम आप करो, क्योंकि बग़ैर फ्रिज के गुजारा मुश्किल है। तो बस अब आ गई मैं किचन में और काम शुरू करने लगे हैं। चिकन को मैंने भिगो दिया है, क्या हुआ मेरे बेटे को? अब तो ठीक है ना, अगर शुक्र है तबीयत। खाना कुछ खाओगी? भूख लग रही है ना आपको? खाना खाओ ना, आओ बैठो मेरे साथ। अभी मेरा मन नहीं खाने को। थोड़ा सा खा लो ना यार प्लीज, फिर मेडिसिन खानी है ना। तो खाने में बनाया है मटर चावल, मैंने दोपहर में बनाए थे वो रखे हुए, साथ प्याज काट लिए, साथ चिकन कढ़ाई है, और बस खाना शुरू करने लगे हैं यहाँ पर। अनाया आ जाओ, और साथ है एप्पल सिट्रा,
आओ जैन। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। और रात के कुछ 1:15 बज रहे हैं और आज अनाया भी सो गई है जल्दी। बस आज मैं भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और आप लोगों को मैंने ये जो प्रोडक्ट दिखाई है इसके ऊपर आप ज़रूर सोचें, क्योंकि मेरे ख्याल में हर औरत को जो है अपने घर में से घर पे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और अब तो आपको पता है ऑनलाइन आप इतना इजी है सारी चीज़ों को कि आप बहुत इजीली बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में फारिग बैठना जो है वो बिल्कुल सेंसलेस है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और तमाम औरतें ही घर के कामों के साथ जो है वो कुछ ना कुछ करती हैं। इसीलिए बहुत सारी औरतें यहाँ पे भी हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर भी हैं, तो ताकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो लेडीज़ हैं वो मज़ीद अपने आप को इस्टेब्लिश करें और फाइनेंशली अपने आप को स्टेबल करें और अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के लिए जो है उनको इंतज़ार ना करना पड़े और वो ख़ुद अपने पैसे अर्न करें और उससे जो है फ़ायदा उठाएं। तो आप लोगों को जिस तरह की भी जो है इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग इस प्रोडक्ट के, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी तो आप उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी और जितनी भी क्वांटिटी आपको इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी वो आपको मिल जाएगी। और ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है लेडीज़ के लिए, क्योंकि आप लोग अच्छा पहनती भी हैं और अच्छा चीज़ भी सेल करती हैं तो इन्जॉय करती हैं लेडीज़ इस काम को। और काफ़ी जो है आज प्रोडक्ट जो है देखी भी लोगों ने और लेके भी गए और आगे भी लोगों के फर्दर प्लान्स हैं इसके ऊपर काम करने के, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और आपको काम टेक्नोलॉजी का जो है दौर है इस वक्त, आप लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अच्छे तरीके से बिज़नेस को करना सीखें और अपनी ज़िंदगियों को इस्टेब्लिश करें और तालीम के साथ साथ लड़कियों को जो है उनके अंदर स्किल्स भी होने चाहिए। और जब आप किसी कारोबार में अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं ना तो आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं बहुत छोटी सी उम्र के अंदर, और ये बहुत बेहतर होता है क्योंकि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते और आप जो है खुद अर्न कर रहे होते हैं। खैर, इसके साथ ही हम अपना आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।